नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जम्मू कश्मीर नंबर वाली गाड़ी से पकड़े 37,000 के नकली नोट। गाड़ी सवार एक महिला और दो युवकों को किया पुलिस ने काबू। एक महिला पुलिस को चकमा देकर हुई फरार। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से संजीव शर्मा की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि पुलिस विभाग की ओर से कुछ ही दिन पूर्व शुरू की गई दुर्गा शक्ति फोर्स ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के नंबर प्लेट लगी गाड़ी में सवार एक महिला और दो युवकों को काबू कर उनके कब्जे से पुलिस ने 37,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। पकड़े गए लोगों की पहचान पंजाब के बरनाला जिला निवासी प्रदीप, अर्शदीप और गगनदीप कौर के रूप में हुई है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सायं करीब 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक किसी दुकानदार ने सूचना दी थी कि जम्मू कश्मीर नंबर वाली गाड़ी में कुछ लोग सवार होकर के शहर में नकली नोट चला रहे हैं। सूचना के आधार पर कंट्रोल रूम ने शहर में गश्त कर रही दुर्गा शक्ति फोर्स को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर दुर्गा शक्ति फोर्स की गाड़ी नंबर 2 ने शहर के परशुराम चौक के निकट नाका लगाया। कुछ ही देर में जेके नंबर लिखी सिल्वर रंग की गाड़ी नाके के पास पहुंची तो टीम ने हाथ दे करके गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी सवार लोगों ने गति बढ़ा दी पर पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। इस बीच एक महिला गाड़ी से उतरकर फरार हो गई। पुलिस ने गाड़ी सवार लोगों से पूछताछ की तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी में सवार लोगों को सिटी थाने पर पूछताछ के लिए ले गई। थाने में पुलिस के पूछताछ के दौरान में गाड़ी में करीब 37,000 के 2,000 के नकली नोट व 500 के नकली नोट बरामद किए। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी। उनका कहना है कि गिरफ्तार महिला और युवकों से पूछताछ की जा रही है। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट।